तो आज हम जा रहे हैं एक बहुत बढ़िया टॉपिक, और ये टॉपिक सभी जगह कॉमन रेंटिंग सिस्टम को आज हम देख रहे हैं। ये सिस्टम बराबर समझ में, रेंटिंग ये बात समझ में आती है तो बॉडी के अंदर आप किधर भी जा सकते हैं, और किधर भी जाके बॉडी के अंदर कौन से छोटे छोटे पार्ट के ऊपर भी जाके आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखते हैं आज। इसके लिए हमें एनर्जी का सब तरह से पता होना चाहिए, बॉडी के पार्ट का या किसी ऑर्गन का, किसी सिस्टम में ये ऑर्गन कैसे, ये सब सिक्स की सब तरह की मालूम होनी चाहिए। डिवीजन क्लासिफिकेशन ये कैसे करते हैं ये मालूम होना चाहिए पहले तो। सिक्स की का जो डायग्नोसिस, वो कभी कभी कैरेक्टर के ऊपर का डायग्नोसिस रहेगा या स्ट्रक्चर के ऊपर, स्पेशियल स्पेस के ऊपर का डायग्नोसिस रहेगा। अभी स्पेस से हम अगर सिक्स की बनाते हैं किधर भी, कौन सी भी स्पेस की, वो बॉडी की रहे यानी स्ट्रक्चर की, अगर आपको सिक्स की बनानी है तो हमेशा विंड से स्टार्ट करते हैं, और ये स्टार्टिंग बहुत से टाइम लेफ्ट साइड में होती है। बाद में जो छिपा हुआ पोर्शन आएगा वो कोल्डनेस आता है। इस तरह का कुछ हमें ये जो पॉइंट्स है इसको याद रखना है हमेशा कि स्टार्टिंग विंड होती है, और विंड कहाँ से स्टार्ट होगी तो एक तो लेफ्ट साइड में होगी या डाउन में होगी, और अप साइड में आगी विंड हीट हॉटनेस करके ऊपर आ जाएगी। वो क्लासिफाई उस स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हुए विंड हीट हॉटनेस, और फिर से नीचे जाएंगे ह्यूमिडिटी ड्राइनेस कोल्डनेस करके नीचे जाएगी या दूसरे पार्ट के ऊपर। तो ये क्लासिफिकेशन है, इसको अपने को बार बार देखना है कैसे किया है। तो आपके जो द सिक्स की, सिक्स एनर्जी थ्योरी की जो बुक है येलो है, उसके अंदर की सब फिगर्स को आपको फिर से देखना है कि कैसे क्लासिफिकेशन किया है बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर के, या बॉडी के ऑर्गन में भी कैसे क्लासिफिकेशन किया है। तो नीचे से विंडी टॉटनेस हुई एनर्जी बढ़ती जाएगी, फिर ह्यूमिडिटी ड्राइनेस करके कोल्डनेस करके नीचे फिर आएगी। लेफ्ट राइट है तो लेफ्ट बाजू का नीचे का पोर्शन है, वहां से विंडी टॉटनेस फिर ह्यूमिडिटी ड्राइनेस कोल्डनेस करके राइट बाजू में आएगी। तो इस तरह का एनर्जी हम देखते हैं बाद में फिर से कैसे हम लोग करते हैं। तो रेंटिंग में ये सब आना चाहिए अपने को। जैसे अभी ये बॉडी का ट्रंक का पार्ट है, ट्रंक के पार्ट में अपने को ट्रंक पार्ट में सिक्स की बनानी, कौन से भी पार्ट में सिक्स की बनाते हैं। ये बॉडी का ट्रंक अगर है, और ट्रंक भी फ्रंट साइड में, अपने ट्रंक फ्रंट है, ये फ्रंट है, तो इसमें सिक्स की बनानी। तो सिक्स की विंड हीट हॉटनेस ऊपर जाएगी, ह्यूमिडिटी ड्राइनेस और कोल्डनेस ऐसे भी बन जाएगी। विंड हीट हॉटनेस नीचे से गए, विंड हीट हॉटनेस ह्यूमिडिटी ड्राइनेस कोल्डनेस, उसके पीछे आपकी कॉन्शियसनेस रहेगी। क्यों मैं ये इस तरह का क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, कोई अगर ऐसे भी क्लासिफिकेशन करेगा इस ट्रंक का, ये इधर से विंड हीट और हॉटनेस एनर्जी बढ़ती हुई, विंड हीट हॉटनेस, और नीचे से ह्यूमिडिटी ड्राइनेस और कोल्डनेस ट्रंक पार्ट को, इस तरह से भी क्लासिफिकेशन किया जाए। विंड हीट हॉटनेस ज्यादा एक्टिव पार्ट, ज्यादा एनर्जी होते गए विंड के बाद हीट पे, ज्यादा हीट हो और ह्यूमिडिटी ड्राइनेस कोल्डनेस नीचे आ गए, कोल्डनेस पे एकदम कम एनर्जी कम हो गई एंड पार्ट कोल्डनेस। तो ये भी क्लासिफिकेशन, ज्यादा हम ये क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हैं।
विंड हीट हॉटनेस ह्यूमिडिटी ड्राइनेस कोल्ड, ये 6K का क्लासिफिकेशन किया। कोई अगर डिसीज जैसे है वैसे वो देखेगा, समझो उसको नीचे दो थाइस के ऊपर का जो ट्रंक का एरिया है उधर कुछ डिसीज है, तो ये क्लासिफिकेशन उसके लिए अच्छा रहेगा कि वो पहला ट्रंक में जाएगा और ट्रंक के ये कोल्डनेस पे जाएगा और ट्रीटमेंट देगा, ट्रंक के कोल्डनेस पार्ट पे जाके ट्रीटमेंट देगा जो भी है ट्रीटमेंट, तो ये क्लासिफिकेशन उसके लिए। अभी समझो वो ट्रंक के राइट बाजू में और अपर कॉर्नर में, राइट बाजू अपर भाग में कुछ है, अपर पोर्शन में कुछ है, तो इसको क्लासिफाई करना है सिक्स की में, ये पार्ट कौन सा आता है इसको देखना। तो क्लासिफिकेशन क्या करेगा वो, तो लेफ्ट साइड लोअर से शुरुआत करेगा, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट साइड है डायगोनली आप देखते हो ना, आपके सामने ये लेफ्ट साइड है, तो सिक्स में डिवाइड करना है, उसमें ये एरिया आना चाहिए, ये एरिया उसमें आना चाहिए सिक्स में डिवाइड करके, तो क्या करेगा तीन पार्ट बनाएगा, तो ये हो गया विंड, ये हो गया हीट और ये हॉटनेस, लेफ्ट बाजू में हीट्रो एनर्जी यानी एक्सपेंसिव एनर्जी आ गई है, विंड हीट हॉटनेस, और इधर डिक्लाइन शुरू हो गया ह्यूमिडिटी ड्राइनेस और ये कोल्डनेस पार्ट हो गया। तो इस पार्ट पे अगर उसको जाना है, इस पार्ट पे इसके राइट ऊपर के ट्रंक के राइट हिस्से में कुछ हो गया है, तो उधर जाने के लिए वो क्या करेगा, ट्रंक की एक एनर्जी, उस एनर्जी ट्रंक की एनर्जी जो मेन है उसके अंदर वो क्या करेगा, ये उसकी ब्रांच है, ये सब ब्रांच है ट्रंक की मेन एनर्जी के अंदर, ये 6 ब्रांच है एनर्जी, तो उसके अंदर जाके ह्यूमिडिटी को ट्रीटमेंट, ह्यूमिडिटी ब्रांच में पहुंचेगा। यानी इस पूरे ट्रंक को, अगर ट्रंक को हम ह्यूमिडिटी पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं वो भी आपको मालूम है, ट्रंक को ह्यूमिडिटी कैसे पकड़ते हैं, तो बॉडी का जब हम ट्रायोर्जन करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट लेग को या विंड पकड़ा, लेफ्ट आर्म हीट और ये हॉटनेस, बाद में ये पार्ट ह्यूमिडिटी, ट्रंक पार्ट ह्यूमिडिटी, राइट हैंड ड्राइनेस और ये राइट लेग कोल्डनेस। तो इसमें ये ह्यूमिडिटी पार्ट था, ट्रंक ह्यूमिडिटी पार्ट, और ह्यूमिडिटी पार्ट का ये अपर कॉर्नर राइट कॉर्नर में कुछ हुआ है, तो पहले तो ह्यूमिडिटी ले लेंगे, ह्यूमिडिटी पार्ट ले लेंगे, यानी ह्यूमिडिटी की मेरिडियन, ह्यूमिडिटी का चक्रा ये लेंगे, और उसके अंदर ये ह्यूमिडिटी अंग के अंदर ये सिक्स हमने किए, सिक्स पार्ट किए, सिक्स एन, तो ह्यूमिडिटी के अंदर ये पार्ट जो ह्यूमिडिटी, तो उधर तक पहुंचेंगे और उधर ट्रीटमेंट। तो इसके लिए अपने को ये रेंटिंग करने के लिए, ब्रांच में जाने के लिए, सब पार्ट का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं उसका एक कॉन्शियसनेस अपने अंदर होना चाहिए, कौन सी भी पार्ट का कैसे क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन सिक्स एनर्जी में कैसे। तो इसके लिए जो बुक है द सिक्स एनर्जी थ्योरी की जो बुक है पीली वाली, उसको आपको बार बार देखना है, उसमें जो फिगर्स दिए हैं, तो अपने अंदर वो कॉन्शियसनेस तैयार हो जाती। देखो समझता है सब कुछ, अभी आप लेक्चर सुन रहे हैं तो समझता है, समझना अलग है, हाँ समझा होता है, लेकिन उसको अंदर रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। समझता है अभी तो लेक्चर समझ में आया, बाद में भूल भी जाए, तो अपने को ये भूलना नहीं है, तो उसको अंदर कैसे रखना, इसके लिए बार 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 आपको रिपीट देखना है उसको, कॉन्शियसनेस बढ़ानी है, तब ये जाके आपके दिमाग में पूरी तरह से ये उतरेगा। तो इसके लिए जैसे आपको थोड़ा ट्रायोजन के बारे में मालूम है, तो होमोपोर्स है, बार बार ये करते तो होमोपोर्स आता है, और होमोपोर्स पकड़ के रखेगा, नो चेंज, जो आ गया अंदर आ गया, फिर उसमें चेंज नहीं,
तो ये होमोपोल्स इसमें आपको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बार बार रिपीटेशन, बार बार रिपीटेशन, उसके अंदर वो सब फिगर्स है उसको देख, तो ये कॉन्शियसनेस परफेक्शन के साथ तैयार हो जाएगी और आप कभी भी यूज करेंगे। तो इस तरह का अपने को ये मालूम होना चाहिए कैसे कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन सी भी चीज को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्पेस उसे भी करते हैं स्पेस के हिसाब से। जैसे मेरे को अभी चेहरे का, किसी चेहरे का अगर क्लासिफिकेशन करना, ये चेहरा है, चेहरा है, तो चेहरे के अंदर भी मैं 6 में पार्ट कर सकता हूँ चेहरे के अंदर। हाँ, ऊपर विंड हीट हॉटनेस, बाद में नाक से नीचे ह्यूमिडिटी ड्राइनेस कोल्डनेस, ऐसे भी करूंगा। या तो मैं क्या करूंगा, चेहरे के 6 पार्ट, चेहरे के अंदर 6 पार्ट करूंगा। हाँ, ये उसका नाक है, ये आंख है, ये होंठ है चेहरे का, तो ऐसे भी करो। इधर राइट चीक के नीचे, इधर मैंडिबल बोन के इधर कुछ हुआ है, तो क्या करेगा वो, चेहरे को हमने यहाँ पकड़ा था ना, चेहरे को हॉटनेस पकड़ा था, हॉटनेस पकड़ा था, तो हॉटनेस में जाके उसके 6 ब्रांच, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हॉटनेस का ये विंड पार्ट, हॉटनेस का विंड पार्ट लेफ्ट लेफ्ट साइड मैंडिबल बोन के उधर या चीन के नीचे, तो ये हॉटनेस का विंड पार्ट है, विंड हीट हॉटनेस, तो ह्यूमिडिटी ड्राइनेस और ये कोल्डनेस चेहरे के अंदर, तो इस तरह से किधर जाना है उधर जा सकते हैं। समझो राइट चीक का प्रॉब्लम है, राइट चीक का प्रॉब्लम, नाक के बाजू में राइट चीक का प्रॉब्लम, गाल का प्रॉब्लम राइट गाल का, उधर कुछ फोड़ा, तो क्या करेगा हॉटनेस के अंदर की ये ब्रांच है, हॉटनेस के अंदर ये हॉटनेस चेहरा हॉटनेस था, उसके अंदर की 6 कर रहे तो ये आ गया ड्राइनेस, तो हॉटनेस का ड्राइनेस, ये ड्राइनेस उसकी ब्रांच, हॉटनेस के अंदर की ड्राइनेस ये ब्रांच, उसमें जाके ट्रीटमेंट। तो इस तरह से अपने को सब क्लासिफिकेशन मालूम होना चाहिए, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन होता है, या फंक्शनिंग ऑर्डर, फंक्शन कैसे चलता है, विंड यानी स्टार्टिंग है, हीट यानी उसकी एक्सपांशन है, उसकी ग्रोथ है, हॉटनेस एंड मैच्योरिटी आती है, बाद में ह्यूमिडिटी से डिक्लाइनेशन ऑफ एनर्जी शुरू होती है, फिर ड्राइनेस और कोल्डनेस एंड पार्ट। इसके लिए ब्लड सर्कुलेशन से आप बॉडी के अंदर जाते हैं, तो हमने क्या बोला है, ब्लड सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन के सिस्टम में आपने क्या किया था, इधर कोल्डनेस किया है, एक्सिटरी सिस्टम लास्ट एंड ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अपने को रेंटिंग के लिए इस बातों को मालूम, अभी रेंटिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी पार्ट पे ब्रांच 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 पे जाते हैं रेंटिंग करके, तो उससे पहले अभी एक स्टार्ट हम करते हैं कि आपने को क्लासिफिकेशन बॉडी के अंदर जाना है, तो हमने क्या देखा है, बॉडी के अंदर जाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम से जाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम से जाते हैं या नर्वस सिस्टम से भी जा सकते हैं, नर्वस सिस्टम से जाते हैं। समझो मैं सर्कुलेटरी सिस्टम से जा रहा हूं, यानी हीट एनर्जी, हीट, हाँ हीट एनर्जी है, हार्ट मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन बराबर है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम से बॉडी के अंदर मुझे जाना है, तो आपने कल ही परसों के दिन आपने इसको बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर विंड बोलते हैं तो आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम, हीट बोलते हैं तो हीमिक, हीमिक सिस्टम, बाद में हॉटनेस बोलते हैं तो हॉटनेस क्या है, हॉटनेस, हॉटनेस क्या बोलते हैं, हाँ नर्वस सिस्टम, हॉटनेस देखो भूल गए उस दिन का, क्या है हॉटनेस, ब्लड, नर्वस सिस्टम, नर्वस, अभी सर्कुलेटरी सिस्टम से बॉडी के अंदर जा रहे हैं तो हॉटनेस इंडोक्राइन है, नर्वस सिस्टम का खुद का है ना ब्रेन,
ब्लड से हम सभी जगह बॉडी के अंदर घुस सकते हैं, सभी सिस्टम में घुसेंगे, बाद में ह्यूमिडिटी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम डायरेक्ट, और लिम्फेटिक सिस्टम भी है, इनडायरेक्ट लिम्फेटिक सिस्टम भी काम करती है ह्यूमिडिटी के अंदर। और ड्राइनेस के अंदर हम लोग बोल रहे हैं इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम, मालूम है आपको, कुछ दिन हमने किया है इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम, या स्किन बोलते हैं, स्किन वाली सिस्टम, या इम्यून सिस्टम, ये हमने देखा था, डिफेंस सिस्टम बोले थे हम, डिफेंस ये सिस्टम। और कोल्डनेस में था बोन सिस्टम यानी स्केलेटल या एक्सिटरी सिस्टम, उसमें भी यूरिनरी, ज्यादा यूरिनरी है, यूरिनरी और रिप्रोड्यूस सिस्टम, ये सब सिस्टम्स। हार्ट मेरिडियन के अंदर आप जब विंड को उस पॉइंट पे सीधी नीडल लगाएंगे, उसको ही रेंटिंग बोलते हैं, तो मुझे दरवाजा खुल गया रेस्पिरेटरी सिस्टम का, विंड पॉइंट को, आप हार्ट मेरिडियन के विंड पॉइंट को सीधी नीडल, या उसको ही रेंटिंग बोलते हैं, विंड पॉइंट को रेंट करना बोलते हैं, विंड पॉइंट को रेंट किया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ, तो जब आप विंड को रेंट कर रहे हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम खुलेगी, वो कौन सी मेरिडियन पे जो रेंट करते हैं, उस पॉइंट वाली मेरिडियन खुलती है, और उस मेरिडियन पे आपको जो चाहिए, जिस इंटेंशन से आप उस मेरिडियन पे गए, वो मिलता है। मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाना था, तो मैंने हार्ट मेरिडियन के विंड को रेंट किया, तो विंड वाली मेरिडियन खुल जाएगी। विंड वाली मेरिडियन इन बाजू में, हार्ट मेरिडियन है ना, विंड वाली मेरिडियन लीवर है, लीवर खुल जाएगी, लेकिन वो लीवर मेरिडियन मेरे लिए एक्ट करेगी रेस्पिरेटरी सिस्टम का। मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए वो लीवर मेरिडियन को रेंट किया, भाड़े से लिए, अपने पर्पस के लिए मैंने रेंट किया, भाड़े पे किया, विंड मेरिडियन लीवर मेरिडियन, तो इसको रेंटिंग बोलते हैं। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए ये सब सिस्टम के बारे में। बाद में जैसे ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम विंड है, हीट, ये बॉडी के ऑर्गन को भी हम विंड किसको बोलते हैं, बॉडी के ऑर्गन में भी कभी कभी मसल पार्ट को विंड बोलते हैं, बराबर है, मसल पार्ट को विंड बोलते हैं। हीट किसी को बोलेंगे, ब्लड वेसल को या हार्ट को हीट बोलते हैं, या हॉटनेस किसको बोलते हैं, नर्वस टिश्यू या ब्रेन को बोलते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू को हम लोग, या स्टमक को ह्यूमिडिटी बोलते हैं, स्किन को ड्राइनेस, लंग को ड्राइनेस बोल रहे हैं। ये सब बॉडी के पार्ट में भी हम इस तरह की एनर्जी देखते हैं, उधर जाना है तो उस तरह की मेरिडियन लेके हम उसके अंदर जाके फिर सिक्स की देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो अपने को ये मालूम होना चाहिए। अभी बॉडी के अंदर हमने देखा कि हार्ट मेरिडियन से भी घुसते हो और नर्वस सिस्टम से भी घुसते हो, नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन मेरिडियन से भी घुसेंगे आप, तो ब्रेन मेरिडियन में भी आप इस तरह की सिक्स की होनी चाहिए। तो अभी ब्रेन मेरिडियन में अगर आप बनाते हो, ब्रेन मेरिडियन को बनाते हैं, तो मैं ब्रेन मेरिडियन के अंदर क्या करते हैं, फिर नर्वस सिस्टम में ब्रेन मेरिडियन के अंदर जो विंड है ना, विंड हम लोग नया निकालते, अभी यहां हम नर्वस सिस्टम से जाने का अगर ट्राई करते हैं, तो नर्वस सिस्टम में कहां कहां पहुंचेंगे देखो, उसके जो सेंस ऑर्गन ये विंड में आते हैं। अभी आप बोलेंगे बॉडी के अंदर जाना है, तो सेंस ऑर्गन से बॉडी के अंदर सभी जगह जा सकते हैं क्या, जा सकते हैं सेंस ऑर्गन्स,
नर्वस सिस्टम से हम जा रहे हैं, नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन से जा रहे हैं, ब्रेन मेरिडियन। ब्रेन मेरिडियन से हम जा रहे हैं, तो सेंस ऑर्गन से हम बॉडी के अंदर घुस सकते हैं, क्योंकि सेंस ऑर्गन इंफॉर्मेशन देते हैं ना, कान से, नाक से, जो भी सेंस ऑर्गन आपकी स्किन से इंफॉर्मेशन मिलती है, और इसके लिए सेंस ऑर्गन को विंड में रखा है, क्योंकि वहां इंफॉर्मेशन आने के बाद तो आपकी सब प्रोसेस शुरू हो जाए, कुछ भी करना है, आपकी इम्यून सिस्टम को भी, प्रतिरोध क्षमता को भी अगर लड़ना है, डिफेंस के लिए लड़ना है, तो समझ में कैसे आएगा, तो ये सेंस ऑर्गन से ही समझ में आएगा, कुछ तो चल रहा है, मेरी स्किन, मेरे टेम्परेचर, हीट आ गई है, तो सेंस ऑर्गन ही बता रहा है मुझे, मेरे अंदर मेरी स्किन को मैं टच कर रहा हूँ, अंदर से कुछ लग रहा है, जो भी है, बॉडी के अंदर भी अगर कुछ जंतु आ गए हैं तो बॉडी को भी पता चलेगा, बॉडी के अंदर भी सब ऑर्गन की अपनी सेंसिटिविटी है, उसको समझ में आता है, तो इसके लिए सेंसिटिविटी को विंड माना गया, सेंस ऑर्गन को विंड माना। बाद में हीट जो है, हीट यानी एक्सपांशन, तो नर्वस सिस्टम सभी जगह एक्सपांडेड स्प्रेड हो गई है, तो एक्सपांशन किधर से देखेंगे नर्वस सिस्टम का, तो पेरिफेरल नर्व से देखते हैं एक्सपांशन किसका, नर्वस सिस्टम का एक्सपांशन। हीट, हॉटनेस में कौन आता है, हॉटनेस में, ब्रेन के हॉटनेस में कौन आता है, साइको इमोशनल स्फीयर बोलेंगे हम, वो साइको इमोशनल स्फीयर है, तो ब्रेन के जब हॉटनेस को आप रेंट करेंगे, हॉटनेस को जब आप निडल लगाएंगे, तब आप पहुंचेंगे किधर, तो पहुंचेंगे आप रीजन में भी पहुंचेंगे, थॉट प्रोसेस में रीजन में पहुंचेंगे, या इमोशन में भी पहुंचेंगे, इमोशंस में भी पहुंचेंगे, किधर, इधर ब्रेन के हॉटनेस को आपने रेंट किया, बाकी आगे हम देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन आपको अगर साइकोलॉजिकल, इसके लिए तो आपने करस्पॉन्डेंस में भी देखा, करस्पॉन्डेंस में हमने क्या बोला था, ईएफटी में क्या बोला था, आपको अगर इमोशंस पे जाना है तो हार्ट के ऊपर सीधी नीडल लगाओ, और बाद में आप जाएंगे जिसी मेरिडियन के, वो इमोशन के ऊपर काम हो जाएगा, यह हमने ईएफटी में सुना है, देखा है ईएफटी में। मुझे अगर फियर को कम करना है, फियर की इमोशन को कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, हार्ट करस्पॉन्डेंस पे एक सीधी नीडल लगाऊंगा, और बाद में कोल्डनेस मेरिडियन, वो फियर है, उसके ऊपर जाके कोल्डनेस को सेडेशन करूंगा, तो हार्ट के ऊपर आप सीधी नीडल लगाओगे। ब्रेन के ऊपर जब सीधी नीडल लगा, टिप ऑफ द थंब सीधी नीडल लगाना, ये हमने सुना है, सीधी नीडल लगाए, तो आप थॉट प्रोसेस पे जाते, और वही पॉइंट जो है, वो पॉइंट कौन सा है, जब सीधी नीडल वहां ऊपर लगा रहे हो, हॉटनेस पॉइंट है, यानी उस हॉटनेस पॉइंट को आप टच जब करते हो, तो थॉट प्रोसेस में पहुंचते, ये तब हमें ये लॉजिक हमने बताया था कि क्यों ये होता है, तो ये सिक्स की का लॉजिक है उसके पीछे, आप ब्रेन मेरिडियन का हॉटनेस को जब रेंट करते हो, तब आप पहुंचते हो साइको इमोशनल स्फीयर, साइकोलॉजिकल इमोशनल ट्रीटमेंट है, तो ये हो गया। बाद में हम देखते हैं ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी अभी इधर जो ह्यूमिडिटी को इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, इंडोक्राइन ह्यूमिडिटी। आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या देखा था, इंडोक्राइन ग्लैंड कौन थी सर्कुलेटरी सिस्टम में, इंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन आप अगर नर्वस सिस्टम से बोलते हो, तो नर्वस सिस्टम में इंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो ह्यूमिडिटी पकड़ा,
ह्यूमिडिटी यानी सिक्रेशन, ह्यूमिडिटी यानी सिक्रेशन। तो इंडोक्राइन का जो सिक्रेशन है, सिक्रेशन, ये सिक्रेशन को स्टिमुलेट कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम उसके ऊपर काम करती है, ब्रेन का हाइपोथैलेमस एरिया है वो काम करता है। तो इसके लिए इंडोक्राइन को नर्वस सिस्टम से देखते हैं, तो इंडोक्राइन को हमने ह्यूमिडिटी पकड़ा है, सिक्रेशन का कंट्रोल नर्वस सिस्टम के अंदर है। ये हो गया। अभी आगे जाके हम ड्राइनेस को टच करें। ड्राइनेस यानी वो सिस्टम जो इम्यून, इंटेग्यूमेंट्री बोला है, डिफेंस, ये सब नर्वस सिस्टम से भी आप ड्राइनेस को जब रेंट करते हो तो ये मिलती है। ड्राइनेस को रेंट करते हो तो कभी ऐसे भी कहा गया है, हमें पढ़ाया गया है कि इस ड्राइनेस को, नर्वस सिस्टम के ड्राइनेस को रेंट करते हो तो भी आप थॉट प्रोसेस में पहुंचते, थॉट्स के ऊपर पहुंचते, ड्राइनेस को रेंट करके थॉट प्रोसेस पे पहुंचते हो। क्योंकि थॉट प्रोसेस कैसी है, पकड़ के रखती है ना, इसके लिए वो ड्राइनेस है, स्टबोर्नेस बोलते हैं ना। थॉट, थॉट के लिए तो पकड़ के रखना पड़ता है, इमेजिनेशन नहीं है उसके, वो एक विचार का धागा पकड़ के आगे आगे बढ़ना है। तो इसके लिए ड्राइनेस बोला है, ड्राइनेस। तो नर्वस सिस्टम के ड्राइनेस को जब आप रेंट करते हो तो ये थॉट यानी रीजनिंग पे पहुंचते हो, रीजनिंग पे पहुंचते हो। रीजनिंग पे आप यहां से भी पहुंच सकते हो और ये जो ड्राइनेस है, ड्राइनेस से भी पहुंचते हैं। ज्यादातर हम यहां से ही पहुंचते हैं हॉटनेस। अभी इसका कोल्डनेस को देखते हैं। कोल्डनेस कौन है इसमें? तो वही है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोड्यूस सिस्टम है, रिप्रोड्यूस सिस्टम, एक्सिटरी सिस्टम, ये सब उसमें आ जाएगी। सिस्टम, रिप्रोड्यूस सिस्टम, एक्सिटरी सिस्टम, ये सब आ गए। ज्यादा बोन सिस्टम को हम नहीं ले रहे, समझ नहीं रहे, वो फंक्शनल सिस्टम में जा रही है वहां। तो ये आ गया। दोनों तरह से बॉडी के अंदर कुछ काम करना है तो ये दो क्लासिफिकेशन अपने दिमाग में होने चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या क्लासिफिकेशन है, बाकी के सिस्टम का, और नर्वस सिस्टम वाला क्लासिफिकेशन आपको समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से हमें पूरा, अगर ये दो याद है तो हम क्या करेंगे बाकी, फिर हम जो जाते हैं और एक अपने को क्लासिफिकेशन याद रखना है, जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड जो हमने बोले हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड ये हार्ट मेरिडियन से भी जाएगी इंडोक्राइन ग्लैंड में, और नर्वस सिस्टम से भी जाते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, नर्वस सिस्टम से जाते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड में, नर्वस सिस्टम का ह्यूमिडिटी पॉइंट रेंट करके, या तो हार्ट का हॉटनेस पॉइंट रेंट करके इंडोक्राइन। तो इंडोक्राइन ग्लैंड में अगर गए तो इंडोक्राइन ग्लैंड की भी सिक्स की, आज हम उसको भी देखते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्स की देखते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड वाली सिक्स की देखते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड वाली सिक्स की में जो वींड है, वींड ये थाइमस ग्लैंड है इंडोक्राइन ग्लैंड में, वींड, थाइमस, वींड है, थायराइड, थायराइड हीट है, और पिट्यूटरी, पिट्यूटरी हॉटनेस। ह्यूमिडिटी पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज ह्यूमिडिटी है, एड्रिनल्स ड्राइनेस है, एड्रिनल ड्राइनेस है, और टेस्टिस, ओवरीज, ये कोल्डनेस। तो भी हमारे हाथ में अभी ये तीन बातें जो है उसको अभी यूज कैसे करते हैं।
अभी एक एग्जांपल, समझो थायराइड की प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, थायराइड की प्रॉब्लम है। अभी थायराइड की प्रॉब्लम के लिए क्या क्या, थायराइड की प्रॉब्लम के लिए ब्लड सर्कुलेशन से जाना है, ब्लड सर्कुलेशन से जा रहे हैं हम लोग, ब्लड सर्कुलेशन से जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले हार्ट मेरिडियन को लेना पड़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन के लिए हमने क्या देखा, हार्ट मेरिडियन, तो हार्ट मेरिडियन लेंगे, हार्ट मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन में थायराइड में जाना है, थायराइड इंडोक्राइन है, तो थायराइड में जाने के लिए, इंडोक्राइन में जाने के लिए आपको क्या पढ़ना, क्या करना है, आपकी हॉटनेस हॉटनेस को रेंट करना पड़ेगा, हॉटनेस को रेंट करना पड़ेगा। तो ये है हार्ट मेरिडियन, उसका हम क्या करेंगे अभी, हॉटनेस, हॉटनेस को हमने रेंट किया, हॉटनेस पॉइंट को रेंट किया, इसको बोलते हैं, इसको ही वेंटिंग बोल रहे हैं। हॉटनेस पॉइंट के ऊपर सीधी नीडल लगाए, अपने पर्पस के लिए मुझे जाना है थायराइड के पास, वो इंडोक्राइन ग्लैंड है, तो हार्ट मेरिडियन के अंदर इंडोक्राइन ग्लैंड हॉटनेस होता है, इसके लिए मैंने हॉटनेस रेंट किया भाड़े पे, अभी मैंने हॉटनेस मेरिडियन को भाड़े पे लिया। तो हॉटनेस को रेंट करने के बाद मेरिडियन मिलेगी कौन सी, हॉटनेस, हॉटनेस मेरिडियन आएगी, जिसको रेंट किया, जिसको रेंट किया है वो मेरिडियन खुल जाए, हॉटनेस मेरिडियन आ गए, हॉटनेस मेरिडियन यानी ब्रेन में वो मिल गई अपने। ये हॉटनेस मेरिडियन कौन है, हॉटनेस मेरिडियन कौन है, ऑल इंडोक्राइन है ना, हॉटनेस को रेंट करते तो सभी इंडोक्राइन मिलेंगे आपको, हॉटनेस को रेंट करने के बाद क्या मिला है, इंडोक्राइन। तो ये अभी आपके पास ऑल इंडोक्राइन, अभी इंडोक्राइन के अंदर, इंडोक्राइन के अंदर भी देखना है। तो ये थायराइड, थायराइड कहां मिल, सब इंडोक्राइन्स को अगर आप देखते हो, इंडोक्राइन जब देखते हो, ये इंडोक्राइन था ना आपके पास, इंडोक्राइन थे ना, बराबर है, इंडोक्राइन ये थे, तो उसमें सब इंडोक्राइन में ये छह इंडोक्राइन है, उसमें से थायराइड कौन है, इंडोक्राइन के अंदर हीट। तो हॉटनेस मेरिडियन का मैं हीट रेंट किया, ये कौन है, हीट को क्यों रेंट किया, थायराइड के, थायराइड के लिए हीट रेंट किया। जब रेंट किया तो मेरिडियन खुलेगी और वो मेरे लिए वो काम करेगी जो पर्पज है मेरा, थायराइड का काम वो करेगी। तो अभी हीट को रेंट किया तो हार्ट मेरिडियन खुल गई, हार्ट मेरिडियन आ गई, यह हार्ट मेरिडियन मेरे लिए अभी थायराइड का काम करेगी। अभी समझो वो अगर हाइपोथायराइड, अगर हाइपोथायराइड है, हाइपो है या हाइपर है, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड है मीन्स काम कम कर रही है, तो यह हार्ट मेरिडियन के अंदर, यह हार्ट मेरिडियन थायराइड है, यह हार्ट मेरिडियन अपनी थायराइड है, वो हाइपो है, हाइपो है मींस उधर कम है, बराबर, काम कम करती है, काम करने के लिए उसके पास विंड एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए, फंक्शनिंग में रहना है, तो ये हाइपो है तो विंड हीट कम काम कर, तो हार्ट मेरिडियन के अंदर हम क्या करेंगे अभी, हार्ट मेरिडियन के अंदर, हार्ट मेरिडियन के अंदर विंड टोनिफिकेशन, हीट टोनिफिकेशन, बराबर है, और ड्राइनेस
सीडेशन, कोल्डनेस, सीडेशन, और उसका कंट्रोलर दे। कंट्रोलर कहाँ देंगे अभी? कंट्रोलर कहाँ देंगे? सीवी पे, सीवी पे, सीवी पे, सीवी के ऊपर कंट्रोलर देंगे, क्योंकि ब्रेन मेरिडियन यूज हो गया है ना। हॉटनेस को रेट कर किया तो आप हॉटनेस मेरिडियन पे गए थे, हॉटनेस मेरिडियन ये इधर आप गए थे ना, हॉटनेस मेरिडियन पे ये आपके पास हॉटनेस मेरिडियन जो थी वो ब्रेन थी, ब्रेन मेरिडियन थी, उसके ऊपर आप गए थे। तो इसके लिए फिर हॉटनेस मेरिडियन को अभी हमने क्या किया, कंट्रोलर सीवी को लिया। अभी अगर वो हाइपरथायराइड, हाइपरथायराइड यानी फंक्शनिंग ज्यादा कर, तो इसके अपोजिट सब ट्रीटमेंट रहेगी, बराबर है। तो क्या रहेगा, हाइपरथायराइड है तो क्या हो जाएगा, विंड, सिडेशन, ये टोनिफिकेशन था। हाइपर है तो विंड सिडेट करो, उसकी हिट सिडेट करो, यानी इधर जो हमने किया है उसको ही देख रहे, क्या करेंगे, विंड, सिडेशन, हिट, सिडेशन, किधर, हार्ट मेरिडियन के अंदर ही, हार्ट मेरिडियन, और ड्राइनेस, फिर टोनिफिकेशन आ जाएगा, और कोल्डनेस को भी टोनिफाई, और कंट्रोलर वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये हो गया कि कैसे हम जा, ये हम सर्कुलेटरी सिस्टम से गए, अगर नर्वस सिस्टम से जा इसी प्रॉब्लम के लिए, हमें नर्वस सिस्टम पे जाना है, नर्वस सिस्टम से जाना, प्रॉब्लम यही है। अगर नर्वस सिस्टम से जाते हो, नर्वस सिस्टम से जाएंगे हम, यही प्रॉब्लम के लिए नर्वस सिस्टम से जाए, तो थ्रू थ्रू नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम से कैसे, तो नर्वस सिस्टम में आपको जाना है इंडोक्राइन में, थायराइड में जाना। तो नर्वस सिस्टम में इंडोक्राइन कहाँ आती है, ह्यूमिडिटी। तो क्या करेंगे हम, नर्वस सिस्टम से जा रहे तो ब्रेन मेरिडियन को यूज कर रहे, ब्रेन मेरिडियन उसका ह्यूमिडिटी पॉइंट, ह्यूमिडिटी पॉइंट को रेंज, ह्यूमिडिटी पॉइंट कौन है, ह्यूमिडिटी पॉइंट किसके लिए हम लोग ले रहे हैं, इंडोक्राइन, इंडोक्राइन के लिए ह्यूमिडिटी पॉइंट को रेंट किया, तो मेरिडियन वही मेरिडियन खुल जाती है, कौन सी मेरिडियन खुलेगी फिर, स्प्लीन मेरिडियन, बराबर है, स्प्लीन मेरिडियन खुल गई, ह्यूमिडिटी वाली ये स्प्लीन मेरिडियन खुल गई। वो स्प्लीन मेरिडियन कौन काम, क्या काम करेगी मेरे लिए, इंडोक्राइन वाला काम करेगी। अभी वो सब इंडोक्राइन है, स्प्लीन मेरिडियन में ऑल इंडोक्राइन ग्लैंड, ऑल इंडोक्राइन, उसमें स्पेसिफिक इंडोक्राइन में थायराइड जो होती है वो हीट है। तो स्प्लीन मेरिडियन का मैं क्या करूंगा, अभी स्प्लीन मेरिडियन के अंदर थायराइड के लिए क्या करेगा, क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट को रेंट करें फॉर थायराइड, रेंट किया थायराइड, हीट को रेंट, फिर खुल जाएगी हार्ट मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन खुल गई, वो मेरे लिए काम करेगी, ये थायराइड वाला काम करेगी। इसके लिए मैंने रेंट किया, भाड़े से लिया, अभी उसको रेंट करके भाड़े से लिया हार्ट मेरिडियन, ये हार्ट मेरिडियन मेरे लिए थायराइड है, तो हार्ट मेरिडियन के अंदर फिर मैं ट्रीटमेंट दे, ट्रीटमेंट देना जो भी आपको, वो ट्रीटमेंट हार्ट मेरिडियन के अंदर हाइपर, हाइपो जो भी देना है वो आप
करेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी हेलो सर सेम ट्रीटमेंट ना सर सेम सेम ट्रीटमेंट ना अगर हाइपो है तो विंड हीट टोनिफिकेशन ट्राइनस कोल्डनेस एडिशन हाँ वो तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिम्टम देख के आप करने वाले हैं जो भी डिसीज रहेगा वो डिसीज के सिम्टम देखेंगे। तो इस तरह से हम रेंटिंग करके करके किधर भी बॉडी के अंदर जाके हम काम बाद में आपको जो पहले से जो सिखाया है उसको इस पे जोड़ सकते जैसे एक ही मेरिडियन के अंदर वर्टिकल ट्रीटमेंट करते हैं कभी कभी मेरिडियन बदलते हैं उसको हॉरिजॉन्टल ट्रीटमेंट बोलते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो हॉरिजॉन्टल ट्रीटमेंट भी करते हैं। अभी ये सब हमने वर्टिकल ट्रीटमेंट एक ही मेरिडियन हार्ट मेरिडियन के अंदर किया ये जो आपने दोनों तरह से ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाके भी वो हार्ट मेरिडियन पे गए थे हार्ट मेरिडियन पे गए और ब्रेन से भी हार्ट मेरिडियन पे जाके ट्रीटमेंट दिया। तो हार्ट मेरिडियन के अंदर ये आपने जो भी ट्रीटमेंट दिया हार्ट मेरिडियन के अंदर हम क्या बोलते हैं उसको वर्टिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं ना। ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग एक ही हार्ट मेरिडियन के ऊपर ही अगर ट्रीटमेंट देते हार्ट मेरिडियन के अंदर अगर ट्रीटमेंट देते अंदर ट्रीट करते हैं हार्ट मेरिडियन के अंदर अगर ट्रीट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रीटमेंट वर्टिकल ट्रीटमेंट हार्ट मेरिडियन के अंदर ये सब के यानी हार्ट मेरिडियन के अंदर आपने क्या किया था हार्ट मेरिडियन के अंदर हाँ क्या किया था विंड टोनिफिकेशन हीट टोनिफिकेशन ड्राइनेस सिडेशन कोल्डनेस सिडेशन ये हाइपर के लिए आपने किया था हार्ट मेरिडियन के तो ये हमने किया था हार्ट मेरिडियन के ऊपर। इस ट्रीटमेंट को क्या बोल रहे हैं वर्टिकल ट्रीटमेंट हाइपर हो या हाइपो जो ट्रीटमेंट किया एक ही मेरिडियन के अंदर किया एक ही मेरिडियन के अंदर किया है हार्ट मेरिडियन के अंदर तो उसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रीटमेंट। वो ये हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं अगर ये ट्रीटमेंट हॉरिजॉन्टल में कभी कभी करना पड़ता है आपके कॉन्शियसनेस में हॉरिजॉन्टल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम लोग मेरिडियन को बदल लेते हैं यानी हार्ट मेरिडियन के अंदर आप ये कर रहे हार्ट मेरिडियन के अंदर क्या किया विंड टोनिफिकेशन किया विंड टोनिफिकेशन इन हार्ट मेरिडियन क्या था ये विंड टोनिफिकेशन इन हार्ट मेरिडियन और हीट टोनिफिकेशन इन हार्ट मेरिडियन ड्राइनेस सीडेशन इन हार्ट मेरिडियन। तो अभी हार्ट मेरिडियन जो है उसके अपोजिट वाली मेरिडियन एक्सिस में अपोजिट वाली मेरिडियन जब लेते हो तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल दूसरी मेरिडियन चूज कर रहे तो हार्ट मेरिडियन के एक्सिस में कौन सी एनर्जी है हार्ट एनर्जी के एक्सिस में एनर्जी कौन सी है ड्राइनेस एनर्जी है हार्ट मेरिडियन के अगेंस्ट में ड्राइनेस एनर्जी लंग वाली। तो आपने क्या किया एक तो मैं हार्ट मेरिडियन के अंदर मैंने विंड क्या किया टोनिफिकेशन किया है सम इधर विंड को टोनिफिकेशन किया तो मैं मेरिडियन चेंज करूंगा लंग मेरिडियन के अंदर मैं क्या करूंगा अपोजिट एनर्जी लंग मेरिडियन के अंदर ये टोनिफिकेशन किया था विंड का हार्ट मेरिडियन के अंदर विंड का टोनिफिकेशन किया उसके एक्सिस में लंग मेरिडियन है तो लंग मेरिडियन के अंदर जैसे मैंने मेरिडियन चेंज की है एक्सिस वाली वैसे एनर्जी को भी मैं चेंज करूँ विंड के अपोजिट वाली एनर्जी ह्यूमिडिटी विंड के अपोजिट वाली एनर्जी ह्यूमिडिटी तो ह्यूमिडिटी को क्या मैं करूँगा सीडेशन ह्यूमिडिटी को सीडेशन लंग के अंदर इधर मैंने मेरिडियन क्या किया चेंज उसको हॉरिजॉन्टल
मेरिडियन चेंज करते, एनर्जी को भी चेंज करते, जरूरत पड़ती है तो ये करना। लेकिन आपके दिमाग में ये बराबर नहीं बैठ रहा है तो आप सीधे जो कर रहे हो वैसे करना है। आपको लगा कि लंग की भी प्रॉब्लम है तो लंग को भी करना है तो लंग को देंगे। ये हाइपोथायराइड वाली केस है, विंड को और हीट को टोनिफाई कर रहे हैं क्योंकि ये हाइपो वाली बात। ये कौन है? ये हाइपो वाले, हाइपो है, इसके लिए हम थायराइड को एक्टिवेट कर रहे हैं। हाँ, हाइपो के लिए थायराइड को हमने एक्टिवेट करने के लिए विंड और हीट को बढ़ाया, विंड को हीट को बढ़ाया। हाइपो है, विंड और हीट को बढ़ाया। तो अपने आप ह्यूमिडिटी को सेडेट करना, अगर आपको लगता है वो हाइपो है और हाइपो है इसके कारण उसके अंदर ह्यूमिडिटी है, जाड़ी है, वो व्यक्ति जाड़ी है, तो अपने को ये ह्यूमिडिटी पे काम करना अच्छा हो जाएगा। ओबेसिटी है, हाइपो के कारण ओबेसिटी आई है, तो आप इस ओबेसिटी को इस तरह से आप ये कर सकते हो। तो इसके लिए ये हॉरिजॉन्टल ट्रीटमेंट अभी मेरे दिमाग में आ गई। हॉरिजॉन्टल करेगा तो इसकी ह्यूमिडिटी को कम करना हो, अपने आप ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, लंग मेरिडियन से अंदर से ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, लंग मेरिडियन से ये ह्यूमिडिटी की बात पूरी बॉडी में फैल जाएगी। ह्यूमिडिटी को कम करना है कि लंग से ऑक्सीजन जाएगा पूरी बॉडी और वो ये मैसेज लेके जाएगा ह्यूमिडिटी को कम। तो इस तरह का सिक्स की का जो कॉन्शियसनेस है ये अपने अंदर आना चाहिए। जब ये कॉन्शियसनेस जब जागरूक होता है तो आप कुछ भी कौन सी भी बीमारी को आप हैंडल कर सकते, टैकल कर सकते। ये कॉन्शियसनेस की जरूरत है। लेकिन जब तक नहीं होता है कॉन्शियसनेस तब तक आपको ये वर्टिकल वाली ट्रीटमेंट मालूम है, एक ही मेरिडियन के अंदर आप कर रहे। ये हॉरिजॉन्टल ट्रीटमेंट में उसको हम जोड़, आपको हॉरिजॉन्टल ट्रीटमेंट ये जोड़ना नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, उसकी लंग की कुछ प्रॉब्लम है तो उधर देखेंगे, ये ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम है, आप क्या करेंगे स्प्लिन मेरिडियन पे जाके ह्यूमिडिटी को सेडेट करेंगे, जो करना है वो करेंगे उसकी ओबेसिटी के लिए। लेकिन ये अगर मालूम है तो ओबेसिटी उसकी जल्दी कंट्रोल में आ जाए, हाइपोवाली की ओबेसिटी जल्दी कंट्रोल। तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रीटमेंट, ये जो ट्रीटमेंट है ये कौन सी है? हॉरिजॉन्टल ट्रीटमेंट। ये वर्टिकल ट्रीटमेंट थी और ये जो है अपने पास हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ट्रीटमेंट। हॉरिजॉन्टल ट्रीटमेंट में हमने क्या किया है? चेंज ऑफ मेरिडियन, चेंज ऑफ मेरिडियन की थी एक्सियल रिलेशनशिप में, एक्सियल रिलेशन यूज, एक्सियल रिलेशन यूज किया हमने, और चेंज ऑफ ब्रांच एनर्जी भी की, चेंज ऑफ ब्रांच एनर्जी विथ एक्सियल रिलेशन, विथ एक्सियल रिलेशन। ये इधर हमने देखा है ना हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल ट्रीटमेंट देते हो हमने हार्ट मेरिडियन और लंग मेरिडियन, ये क्या किया? चेंज ऑफ मेरिडियन की विद एक्सियल रिलेशन। ये हार्ट यानी हीट, लंग यानी ड्राइनेस, समझ में आया? हार्ट यानी हीट मेरिडियन है, या हार्ट यानी कौन है? हीट मेरिडियन है हीट, और लंग यानी कौन है? ड्राइनेस। तो ये एक्सिस रिलेशन हो गया, हीट और ड्राइनेस का एक्सिस रिलेशन, दो मेरिडियन हीट और ड्राइनेस का एक्सिस। और ब्रांच एनर्जी, हार्ट के अंदर विंड ये ब्रांच एनर्जी, लंग के अंदर ये ड्राइनेस है ब्रांच एनर्जी। तो ब्रांच एनर्जी में भी हमने क्या किया? एक्सिस रिलेशन विंड और ह्यूमिडिटी ब्रांच में चेंज किए, ब्रांच के अंदर, ब्रांच एनर्जी के अंदर भी एक्सिस रिलेशन। और क्या किया हमने? विंड और ह्यूमिडिटी, विंड ह्यूमिडिटी एक्सिस में है, हाँ बराबर है। ये विंड एनर्जी है, ये विंड, और उसके अपोजिट पे ये ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अपोजिट। तो समझ में आ गया इसको हम क्या कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल ट्रीटमेंट। तो हॉरिजॉन्टल ट्रीटमेंट करते आगे अगर आपको करना है, ये विंड के बारे में किया, बाद में
आपको हीट के बारे में करना है। तो हार्ड हीट टोनिफिकेशन, अपोजिट में क्या आ जाएगा, लंग, लंग ड्राइनेस, हीट के अपोजिट में एनर्जी ड्राइनेस, लंग ड्राइनेस सेडेशन। इसको अगर आप और भी आगे जाते हो, और भी आगे जाते तो आपने इधर जो हीट का काम किया है, हीट का काम वर्टिकल में किया था, वही हॉरिजॉन्टल एनर्जी में क्या करेंगे हम, हॉरिजॉन्टल में क्या करेंगे, अगर हार्ट हार्ट हीट टोनिफिकेशन कर रहे थे, हार्ट हीट टोनिफिकेशन कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल में क्या करेंगे, मेरिडियन चेंज हो जाएगी हॉरिजॉन्टल में, ये आएगी लंग मेरिडियन, लंग मेरिडियन, और ब्रांच एनर्जी ये हीट थी, हार्ट के हीट की ब्रांच थी, अभी लंग की उसके अपोजिट में ब्रांच एनर्जी, अपोजिट वाली ब्रांच एनर्जी हीट के अपोजिट कौन है, ड्राइनेस, तो ड्राइनेस सेडेशन, लंग ड्राइनेस सेडेशन। इस तरह से अपोजिट एक्सिस रिलेशन में मेरिडियन भी चेंज करते हैं, उसकी ब्रांच एनर्जी भी चेंज करते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, जरूरत पड़ती है तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रीटमेंट कर, जल्दी रिजल्ट मिलते हैं हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये ज्यादा बड़े पैमाने पे काम कर, दो मेरिडियन में अलग, एक ही मेरिडियन में काम करना हो तो होगी ब्रांच, लेकिन ये क्या हो जाएगी और बड़ी, उसमें एक तो क्वालिटेटिव एनर्जी एक ही मेरिडियन पे किया, लेकिन ये क्वांटिटेटिव हो जाएगी ज्यादा काम, तो ये हो गया। तो इस तरह से वर्टिकल ट्रीटमेंट और हॉरिजॉन्टल। अभी अगर समझ में आता है तो इस बात को देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रीटमेंट करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल ट्रीटमेंट में फर्स्ट टाइप ऑफ सर्कुलेशन और सेकंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन भी आगे जाके यूज करना होता है, अगर आपको आता है ये बात समझ में आती है तो। फर्स्ट टाइप ऑफ सर्कुलेशन और सेकंड टाइप, हॉरिजॉन्टल आप क्या कर रहे, मेरिडियन को बदल रहे, लेकिन बदलते हुए फर्स्ट टाइप ऑफ सर्कुलेशन है या सेकंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन, कौन सा सर्कुलेशन अच्छा रहेगा जिसमें इसके सिम्टम कवर हो, ऐसे आप देखेंगे, जिसको ये बात समझ में आती है। देखो कि अभी मैंने हॉरिजॉन्टल में क्या किया, लंग मेरिडियन को लिया, ड्राइनेस हार्ट के अपोजिट में, हार्ट के अपोजिट में मैंने ये लंग मेरिडियन को लिया ड्राइनेस, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ सर्कुलेशन ड्राइनेस, यानी फर्स्ट टाइप ऑफ सर्कुलेशन में लंग आता है, फर्स्ट सर्कुलेशन में ड्राइनेस एनर्जी लंग के अंदर, लेकिन वो ही ड्राइनेस एनर्जी, ये ड्राइनेस एनर्जी मुझे चाहिए ना, सॉरी हार्ट के अपोजिट में मुझे कौन चाहिए, ड्राइनेस, वो लंग के अंदर भी आती है, और सेकेंड टाइप में वो एनर्जी ड्राइनेस एनर्जी किसमें आती है, सेकेंड टाइप में, लिवर, सेकेंड टाइप ड्राइनेस एनर्जी लीवर, हार्ट और ड्राइनेस का हम एक्सिस ले रहे, तो ड्राइनेस एनर्जी एक तो लंग के अंदर भी है, किडनी और यूवी के अंदर भी है, हाँ। समझ में आया ना आपको, ये आपने देखा था ना इधर, हाँ इधर कौन थी, किडनी, बराबर है, स्ट्रक्चर में इधर कौन था, लंग, लंग और ये ना, लेकिन दूसरा टाइप ऑफ सर्कुलेशन से क्या हो गया, इधर कौन आ गया था, किडनी और यूवी आया था, तो अभी हाँ अभी मैं क्या करूंगा, अगर सेकेंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन से देखूंगा तो लंग के बदले में क्या कर सकता हूँ, वहां लंग के बदले में वहां किडनी में ले सकता हूँ, लंग के बदले में या किडनी लेके मैं काम करूंगा, किडनी मेरिडियन लेके उसके अंदर का मैं ड्राइनेस सेडेशन करूंगा, ये क्यों, सेकेंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन, सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी सर्कुलेशन से मैं ये काम करूँ किडनी लेके। अगर मुझे वो थायराइड वाले पेशेंट को मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, वो हाइपोथायराइड का पेशेंट है, तो मुझे और वो हाइपोथायराइड के कारण, उसकी दवाई के कारण कुछ भी जो हुआ है, किडनी फंक्शनिंग उसका अभी डैमेज हो गया है,
तो मुझे ये सेकेंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा उसको ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो किडनी के अंदर का मैं ड्राइनेस निकाल रहा हूं, उसको हाइपोथायराइड के कारण यह आया है, या हाइपोथायराइड के कारण लंग के अंदर ड्राइनेस आया है, लंग बराबर काम नहीं कर रहे, हाइपोथायराइड है, फैटी है पेशेंट, ओवेक्स पेशेंट है, तो लंग भी बराबर काम अपनी कैपेसिटी के साथ नहीं कर रहे, उधर भी ये ड्राइनेस उधर तकलीफ दे रही है, तो ये अपना फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी सर्कुलेशन लंग है, हॉरिजॉन्टल वाली ट्रीटमेंट। अगर किडनी बराबर फंक्शन नहीं कर रही है तो किडनी के लिए सेकेंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन से भी जा सकते हैं, और ये दोनों प्रॉब्लम अगर नहीं है तो वर्टिकल ट्रीटमेंट आप एक ही मेरिडियन पे तो दे रहे हैं। तो इस तरह से आप सर बात करते, अभी समझो ये जो है आपको नहीं समझ में आ रहा है, फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वो बोल रहे हैं मुझे किडनी की तकलीफ, हाइपोथायराइड वाला पेशेंट है किडनी की तकलीफ बोल रहे हैं, तो आप किडनी के ऊपर अलग से ट्रीटमेंट दे देंगे, किडनी के अंदर भी वर्टिकल ट्रीटमेंट दे देंगे, तो कुछ चिंता की या डरने की बात नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है, अपने को ये नहीं आ रहा है तो हर एक मेरिडियन को चूज करके उस मेरिडियन पे जाके ट्रीटमेंट वर्टिकल ट्रीटमेंट दे। उसने अगर वो बोल रहा है कि हाइपोथायराइड है और उसके लंग की सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप लंग के ऊपर सेपरेट लंग मेरिडियन लेके ट्रीटमेंट देंगे। वो बोल रहा है किडनी का फंक्शनिंग बराबर नहीं हो रहा है, उसके रिपोर्ट में दिख रहा है, तो आप किडनी मेरिडियन के अंदर सेपरेट ट्रीटमेंट देंगे, जिसको ये शॉर्टकट नहीं आता वो भी ट्रीटमेंट दे सकते। तो ये कॉन्शियसनेस अगर आपका जागृत होता है तो बहुत काम आप शॉर्टकट वे से करेंगे, इजी वे से करेंगे। दूसरी बात, जैसे अभी आज मैं प्रसाद कुमार जी में बात कर रहा था प्रसाद कुमार जी के साथ, तो हमने ये शेयरिंग किया था कि भाई देखो अभी हमारे में दुसाने जी भी है, डॉक्टर है, तो दुसाने जी ये सिक्स की कॉन्शियसनेस के बारे में एक बात क्या है कि हम किसी पेशेंट को सांगते हैं ऐसा कर वैसा कर परहेज, हम परहेज के बारे में बोलते हैं, बराबर है, मैं सांगते हैं बोला था ना, तो थोड़ा ऐसे लगा था ना कि सर सांगते हैं, ये हिंदी मराठी इंग्लिश सब मिक्स हो रहा है, तो हम परहेज की बात करते हैं। देखो अभी जैसे मैंने दोपहर प्रसाद कुमार जी के साथ मैं बात कर रहा, मैंने बोला कि आप अगर मैं ज्यादा कुछ एंजॉय कर रहा हूँ, देखो ये कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है। मैं अगर एंजॉयमेंट ज्यादा कर रहा, वो खाने की एंजॉयमेंट है, पीने की एंजॉयमेंट है, जो भी है एंजॉयमेंट ज्यादा कर, तो उस एंजॉयमेंट जब ज्यादा हो रही है सब कुछ, तो उसको संभालने के लिए एक्सिस में कौन जागृत हो जाएगा, ये एंजॉयमेंट हीट है ना, हीट एनर्जी के एक्सिस में कौन जागृत हो गया, ड्राइनेस जागृत हो गया, वो कॉम्पेंसेशन के लिए ड्राइनेस बढ़ेगा इसको हीट को कंट्रोल लाने के लिए, और मैं एंजॉयमेंट कर रहा हूँ, ये ड्राइनेस भी अपनी तरफ से बढ़ रहा है, ड्राइनेस कंट्रोल करने के लिए बढ़ रहा है। अब क्या हो जाएगा, तो कुछ दिन के बाद मेरे पास माइंड है ना मेरा, तो मेरा माइंड क्या करेगा, एंजॉयमेंट को मैं कम करूं, या मुझे कुछ तकलीफ हो रही है, क्योंकि क्या हो गया, तकलीफ कैसे होगी, तो ये ड्राइनेस जो है ना वो बढ़ता गया है, तो मुझे कुछ तकलीफ अभी शुरू हो गई, तो तकलीफ शुरू हो गई तब सब बोलने लगे कि ये मत करो, तो मैंने क्या किया, अभी परहेज करना शुरू किया। कब शुरू किया, जब ये ड्राइनेस बहुत बढ़ गई है और तकलीफ देने शुरू, तो मैंने परहेज करना शुरू हो गया एंजॉयमेंट, समझो मैं मीठा खा रहा था, मीठा खाना मैंने छोड़ दिया, या तो मैं ड्रिंक कर रहा था, ड्रिंक करना छोड़ दिया,
यानी हीट एनर्जी अभी मैं कम कर रहा हूं, लेकिन ये ड्राइनेज जो बढ़ गई है ना, वो अभी हीट एनर्जी कम करने के बाद भी क्या करेगी, ड्राइनेज एनर्जी बढ़ ही जाएगी, क्योंकि हीट कम हो गया तो ड्राइनेज बढ़ेगा ही। यानी अभी मैं परहेज करता हूं कुछ समय के बाद, ज्यादा देरी के बाद, नया नया कुछ चल रहा है इसमें, जब तक रिलेशन है इसमें सीसॉ मैकेनिज्म में चल रहा है तब तक चल रहा है, लेकिन ये अगर मिसिंग एक्सिस बन गया तो ये अपनी तरफ से ये अभी नीचे आने वाला नहीं, इधर मैं कुछ भी करूं उल्टा इसको सपोर्ट ही मिलेगा, कुछ फायदा नहीं है। अभी मैं जो परहेज कर रहा हूं, मैंने अभी सब कुछ कम किया तो कुछ नहीं, फायदा नहीं है। अभी मैं परहेज बहुत कर रहा हूं, करुण करुण भागले देव पूजेला लागले असे आमच्या मराठीत म्हणतात, तो देव पूजा का कुछ अभी सार्थक नहीं है, कर करके थक गए। तो क्या होता है, इस तरह से अभी अपनी कॉन्शियसनेस अगर बढ़ी हुई है तो हमें मालूम है मैं अभी ये मीठा खाना छोड़ दिया, सब कुछ किया तो भी मेरा डायबिटीज नीचे नहीं आ रहा है, पेशेंट ऐसे बोलते हैं, क्योंकि इसका ड्राइनेज जो है बॉडी का रेजिस्टेंस वो अभी बढ़ गया है, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो उसको गोली लेके वो रेजिस्टेंस को कम करना पड़ रहा है, इसके लिए गोली की जरूरत होती है। स्टार्टिंग में अगर नया नया डायबिटीज है तो उसका डायबिटीज गोली की कुछ जरूरत नहीं है, ड्राइनेस कम करने की जो गोली है उसकी जरूरत नहीं, सिर्फ परहेज किया उसने तो ये अपने आप इसके अंदर जो सीसॉ मैकेनिज्म में चलेगी, ये एक दूसरे के साथ अभी सीसॉ में है तो चलेगी बात। लेकिन ये पुरानी बात हो गई और बाद में मैं अगर परहेज कर रहा तो ये दोनों का रिलेशन टूट गया है, ये डाइवर्स हो गया दोनों के बीच में, अभी कौन किसी को मानने वाला नहीं। उल्टा ऐसे पेशेंट को मैं भी बोलता हूँ कभी कभी, आप खा लिया करो, आपको मीठा खाना है खा लो, क्योंकि अभी मीठे का इसके ऊपर ज्यादा परिणाम नहीं है, इसने आपको छोड़ दिया है, ये अभी आपके साथ नहीं है ड्राइनेस एनर्जी, हाँ तो अभी आपकी तरफ से आपको मीठा खाना है भाई खाओ। अभी इसको समझाने के लिए हमने क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन वाली ट्रीटमेंट, ये ड्राइनेस का रिलेशन किधर जा रहा है उसको हम लेके इसको संभालेंगे ड्राइनेस। तो देखो डायबिटीज वाले हो या कौन सी भी जब बात होती है क्रॉनिक डिजीज की, तब इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन पे जाके हम इसके लिए ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि उधर एक्सिस रिलेशन का कुछ फायदा ही नहीं होता है क्रॉनिक में, तो परहेज का भी उतना फायदा नहीं होता है। ठीक है उसको अच्छा लगता है मैं परहेज कर रहा हूं मैं ये सब कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए उसको दवा गोली लेनी पड़ती है, या तो अपनी ट्रीटमेंट में इसको संभालने वाली एनर्जी कौन सी है उसको देखना पड़ेगा, उसका किसके साथ रिलेशन, किसके साथ एक्सिस बन रहे, इसकी दोस्ती किसके साथ है, वो किसका सुनेगा, उसको जाके लाएंगे और इसको भाई कम कर दू इसको बोलेंगे समझाएंगे। तो इस तरह से ये होता है, इसके लिए कॉन्शियसनेस जो है सिक्स की वाली वो बहुत बड़ी मायने रखती है। आपको पीली वाली जो बुक है सिक्स एनर्जी थ्योरी वाली, उसके अंदर जो कुछ दिया पेज पेज पे आपको फिर से जाके देखो उसको, हम लोग नहीं देखते हैं, मैं भी खुद नहीं देखता था पहले, कितने साल मेरे पास वो बुक ऐसे ही पड़ी थी, और जब मैं देखना शुरू किया तो इंटरेस्ट बढ़ते गया, अरे बहुत सारा उसमें, आज मैंने पढ़ लिया तो आज अलग से कुछ समझ में आया, कल पढ़ता हूं तो कल अलग से समझ में आता, भले एक एक पेज को मैं देखा, जब टाइम मिला एक दो पेज देख लिए बस। आपको अगर मास्टरी करनी है तो इन बातों को आपको करना ही है, तपस्या बोलते हैं, तपना पड़ता है तब ये हो जाता है, तो अपने आप दिमाग में झट से बात घुस जाती है, तो ये तपने की जरूरत है, होमोकोर्स लाने की जरूरत है, तब करना है होमोकोर्स ला, अब दो चार बरस भी हो जाते हैं तो आप इसमें मास्टर हो जाते हैं, अभी हम लोग को मास्टर होने में इतने साल गए, आज हम यहाँ रुक जाते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर अगर हाइपरथायरॉयडिज्म विद गॉइटर रहेगा तो फिर हार्ट मेरिडियन में ह्यूमिडिटी भी सेडेट करना पड़ेगा वर्टिकल ट्रीटमेंट में,
गॉइटर के लिए, गॉइटर के लिए ह्यूमिडिटी सेडेट करना पड़ेगा। हाँ हम्म, बराबर, गॉइटर के लिए ह्यूमिडिटी सेडेट करना पड़ेगा। और चाहे तो आप लंग को भी ले सकते हैं, क्योंकि लंग टिश्यू है, स्किन टिश्यू जैसे है, तो लंग को भी ले सकते हैं। ह्यूमिडिटी को सेडेट करना है, लेकिन हॉरिजॉन्टल ट्रीटमेंट करके भी आप ले सकेंगे, लंग मेरिडियन आ जाएगी, वो भी करो, डायरेक्टली वर्टिकल में भी करो और उस हॉरिजॉन्टल में मेरिडियन चेंज करके भी करो, तो भी चलेगा। ओके ओके सर।